Find the error in each of the following code segments and explain how to correct it. कुछ सी स्टेटमेंट दिखाए जाएंगे और उनमें एरर फाइंड करनी है, उनमें गलती ढूंढनी है. ये स्टेटमेंट है, एक्स इज इक्वल्स टू वन सेमीकोलन वाइल पैरेंथेसिस में एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन सेमीकोलन प्लस प्लस एक्स सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ. क्या ये गलत है? हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें गलतियां हैं. क्या गलतियां हैं? तो पहली गलती है व्हाइल के बाद में यहाँ सेमीकोलन आ गया है. सेमीकोलन आने से ये लूप इन्फिनिटी लूप बन गया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगी. इंक्रीज नहीं होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये इन्फिनिटी टाइम तक ये लूप चलता रहेगा. ठीक, कैसे करें? तो इस सेमीकोलन को उठा के यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए, क्योंकि आगे कर्ली ब्रैकेट ऑफ हुआ है, या इस सेमीकोलन को उठा दिया जाए और आगे वाले कर्ली ब्रैकेट को भी हटा दिया जाए. तो ये दोनों मेथड लिख दिए हैं. ये एक स्टेटमेंट है, फॉर वाई इज इक्वल्स टू पॉइंट वन वाई नॉट इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वाई प्लस इक्वल टू पॉइंट वन प्रिंट परसेंटेज एफ न्यू लाइन प्रिंट वाई. इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? इसमें गलती यह है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मोस्टली हम यदि एग्जैक्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इंटीजर्स की कंपैरिजन करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की कंपैरिजन नहीं करेंगे. मतलब अपना कंट्रोल वेरिएबल जो है, काउंटर वेरिएबल जो है, वो इंटीजर के रूप में लेना चाहेंगे. तो फिर इसको ठीक कैसे करें? तो इसको इंटीजर्स के रूप में लें और प्रिंट स्टेटमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज कर दें. मतलब हम वाई को एज ए इंटीजर लें और कैलकुलेशन को प्रॉपरली जैसा हम अब चाहते हैं वैसा प्रिंट कर दें. तो हमने इंटीजर के रूप में लिया, पॉइंट वन की जगह वन ले लिया, 1.0 की जगह टेन ले लिया. मतलब हम वाई को टेन, जो प्रेजेंट वैल्यूज उनको टेन से मल्टीप्लाई करें तो सभी वैल्यूज इंटीजर्स हो जाएंगी. तो वो वाई की वैल्यूज ले ली, चूँकि वाई हम एज ए इंटीजर ले रहे हैं तो कैलकुलेशन में वाई में टेन का भाग देने पर वो जीरो हो जाएगा. इसलिए वो जीरो ना हो इसलिए पहले वाई को फ्लोट के रूप में बनाया और बाद में उसमें टेन का भाग दे दिया. तो जो हम इन आउटपुट ऊपर वाले से चाहते हैं वो ही मिल जाएगा. एक स्विच स्टेटमेंट है जिसमें पैरेंथेसिस में एन लिखा है और बाद में केस वन मैच करे तो पुट्स द नंबर इज वन प्रिंट कर दे, केस टू मैच करे तो द नंबर इज टू प्रिंट कर दे, नीचे ब्रेक स्टेटमेंट, बाद में डिफॉल्ट में पुट्स में लिख दिया प्रिंट द नंबर इज नॉट वन और टू और बाद में ब्रेक डाल लिख दिया. इसमें क्या गलती है? वैसे देखा जाए तो इस प्रोग्राम, इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है. कंपाइलर इसमें कोई गलती नहीं ढूंढेगा, कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा, हम जब रन करेंगे तो आउटपुट भी हमें मिलेगा. लेकिन इसमें गलती यह है कि इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है. किस तरह से? ये स्टेटमेंट यदि हम वन इनपुट में देंगे, एन की वैल्यू वन है, तो ये नंबर इज वन भी प्रिंट करेगा और नंबर इज टू भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ब्रेक इसको नहीं मिला है तो ये आगे कंटिन्यू जो भी लिखा है उसको करता जाएगा. सुधारें कैसे? तो जो फर्स्ट केस वन है उसमें प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में केस टू से पहले ब्रेक स्टेटमेंट डाल दें तो ये सुधर जाएगा. ये ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया, सुधर गया. डबल स्लैश टू प्रिंट द वैल्यूज वन टू टेन, n is equals to 1 semicolon while n is equal less than equal to 10 print f u d n plus plus. इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं. एक गलती ये है कि जो रिलेशन ऑपरेटर हमने लिखा है n less than 10, हम 1 टू 10 प्रिंट करना चाहते हैं एन लेस देन 10 के लिए, यहाँ पर ये 10 प्रिंट नहीं करेगा. इसलिए यहाँ एक तो हमें एन लेस देन 10 की कंडीशन गलत मिल रही है, दूसरा कन्वर्जन स्पेसिफायर के रूप में हमने यू डी लिख रखा है. कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज से स्टार्ट होता है, यहाँ यू डी नहीं लिख सकते. तो क्या किया जाए? तो इसमें लेस देन का साइन है वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन में, वहाँ लेस देन इक्वल टू लगाया जाए और जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है वहाँ परसेंटेज डी या परसेंटेज यू, जो एन का डिक्लेरेशन जिस तरह का उस तरह से लिखा जाए.
तो सुधारने पर ये बन जाता है। एक स्टेटमेंट है फोर एक्स ले इक्वल टू हंड्रेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस प्लस एक्स प्रिंट एक्स, इसमें क्या गलती है? तो इसमें भी दो गलतियां हैं। पहली गलती है फोर स्टेटमेंट के में एफ अपर केस में लिखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है इसलिए एफ को लोअर केस में लिखना होगा। दूसरी गलती है हम एक्स की इनिशियल वैल्यू हंड्रेड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट के रूप में हम प्लस प्लस एक्स कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वैल्यू एक्स की 101 होगी, बाद में 102, 103 एंड सो ऑन आगे बढ़ती रहेगी। कंडीशन हमने लगाई है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा और ये एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, अनंत लूप बन जाएगा। इसको कैसे सुधारा जाए? इसके अलावा इसमें एक और गलती है, वह है जो सेपरेटर हैं सेमी कॉलन सेपरेटर हैं उसकी जगह कोमा सेपरेटर लिख रखे हैं, यहाँ सेमी कॉलन सेपरेटर आना चाहिए। कैसे सुधारा जाए? तो जो अपर केस एफ है उसकी जगह लोअर केस एफ लिख दिया जाए फॉर कीवर्ड में, सेपरेटर है वहाँ सेमी सेपरेटर कोमा सेपरेटर को सेमी कॉलन सेपरेटर से रिप्लेस किया जाए, और प्लस प्लस एक्स की जगह एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स लिखा जाए। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि वो किसी इंटीजर गिवन वैल्यू को चेक करे कि वो इंटीजर इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, और कॉरस्पॉन्डिंगली प्रिंट करें। इसके लिए हमने एक स्विच स्टेटमेंट लिखा है जिसमें इनपुट में वैल्यू परसेंटेज टू, मतलब वैल्यू का दो से रिमाइंडर, बाद में केस यदि जीरो है तो इवन इंटीजर, केस वन है तो ऑड इंटीजर, ऐसा प्रिंट कर दिया, ऐसा हमने लिख दिया। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती यह है कि इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, जिससे यदि इंटीजर इवन है तो केस जीरो मैच करेगा और इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर दोनों आउटपुट में प्रिंट में देगा। कैसे सुधारें? तो ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, एटलीस्ट केस जीरो के प्रिंट के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। हम एक कुछ प्रो स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिसमें स्कैन एफ लिखा है जो एक इंटीजर वेरिएबल को रीड करता है, बाद में एक सी एच ए आर वी ए एल इक्वल टू गेट सी एच ए आर लिखा है, गेट सी एच ए आर एक फंक्शन है जो एक करेक्टर रीड करके उसकी वैल्यू सी एच ए आर वी एल को असाइन कर देता है। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जब इंटरेक्टिव रन किया जाए तो ये एक इंटीजर और एक करेक्टर रीड करे, और वो इंटीजर और करेक्टर इस तरह से दिए हो 100 स्पेस ए अपर केस ए, तो ये रीड करे 100 मतलब 100 को एज इंटीजर और स्पेस के बाद में ए लिखा उस ए को एज ए करेक्टर रीड करे, और बाद में प्रिंट करे तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है इंटीजर कोलन परसेंटेज डी कन्वर्जन स्पेसिफायर, बाद में न्यू लाइन करेक्टर कोलन परसेंटेज सी कन्वर्जन स्पेसिफायर एंड न्यू लाइन, और आर्ग्यूमेंट्स में इंट वेल और सी एच आर वी एल। इसमें क्या गलती है? तो यहाँ प्रोग्राम में गलती कुछ नहीं है, लेकिन इनपुट हम दे रहे हैं उसमें एक इंटीजर के बाद में स्पेस बाद में ए दे रहे हैं, स्पेस अपने आप में एक करेक्टर होता है, तो हमें देखने को मिलेगा कि करेक्टर आउटपुट में मिल ही नहीं रहा, इसलिए हमें इसको ठीक करने के लिए या तो करेक्टर है उसको दो बार रीड करना पड़ेगा, जिससे पहले जो स्पेस मिला है उसको इग्नोर कर दे और उसके बाद में जो करेक्टर दिया उसको रीड करे, या हमें कंडीशन लगा के लूपिंग में करेक्टर रीड करना पड़ेगा कि जब तक कि कोई विजुअल करेक्टर ना मिले तब तक ये करेक्टर को इग्नोर करके दोबारा रीड करता ही रहे।
एक फॉर स्टेटमेंट है जिसमें एक्स की वैल्यू 0.000001 इनिशियलाइज की गई है, एक्स पे कंडीशन लगाई गई है एक्स शुड बी इक्वल टू 0.0001 और इंक्रीमेंट लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू 0.000001। फिर 7 प्रिसीजंस के साथ मतलब दशमलव के बाद में 7 डिजिट तक प्रिंट हो ऐसा एक फ्लोट नंबर और वो नंबर है एक्स प्रिंट किया जा रहा है, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती ये है, एक तो दो गलतियाँ हैं, एक तो हम जब कंपैरिजन के काम में लेते हैं तो हम फ्लोटिंग नंबर्स को काम में नहीं लेते, हम रिपीटेशन स्टेटमेंट में इंटीजर्स को काम में लेते हैं, और दूसरी गलती है जो इक्वलिटी की कंडीशन है वो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही सेटिस्फाई नहीं होगी, लूप में जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ हमें यूजफुल कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या चेंज किया जाए? तो एक्स को इंटीजर्स में चेंज किया जाए, कॉरस्पॉन्डिंगली जो हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं उसको चेंज कर दिया जाए, और जो कंडीशन लगाई है एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 उसकी बजाय लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगाई जाए। तो एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, एक्स लेस देन इक्वल टू 100, एक्स में 1 का इंक्रीमेंट प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ एक्स की फ्लोटिंग वैल्यू में 1 बिलियन का भाग दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट लिखा है जहां हम चाहते हैं कि वो 999 से स्टार्ट करे और जो भी विषम संख्याएं हैं उनको प्रिंट कर दे, इसके लिए लिखा है फोर एक्स इज इक्वल टू 999, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एक्स प्लस इक्वल टू 2 मतलब एक्स की वैल्यू 2-2 इंक्रीज हो जाए और एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है? तो इसमें कंपाइलर हमें कोई गलती नहीं देगा, जब रन करेंगे तो ये एक इनफिनिट लूप मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 999 से स्टार्ट की है, कंडीशन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 की है, इंक्रीमेंट में एक्स में 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1001, उसके बाद 1003, 1005 एंड सोन चलती रहेगी, कंडीशन कभी नो नहीं कहेगी क्योंकि सारी वैल्यूज 1 से ज़्यादा हैं, और हम जो चाहते हैं 999 से लेकर 1 तक प्रिंट हों अवरोही क्रम में वो प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए ठीक करने के लिए हमें इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्लस इक्वल की बजाय माइनस इक्वल लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम का ये सेगमेंट ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं एक आउटपुट है जो 2 से 100 तक की सम संख्याओं को, इवन नंबर्स को, इवन इंटीजर्स को प्रिंट करे, उसके लिए सेगमेंट दिया है काउंटर इक्वल टू 2 डू, उसमें लिखा है इफ़ काउंटर परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट काउंटर, काउंटर को 2 से इंक्रीज कर दिया वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 100, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती नहीं, इसमें गलतियाँ हैं, कितनी? पहले इसमें डू और वाइल जो लिखे हैं उनमें डू में डी और वाइल में डब्ल्यू अपर केस में लिखे हैं, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, ये दोनों लोअर केस में आने चाहिए। इसके अलावा हम 100 तक प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब 100 को भी प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन में लिखा है काउंटर लेस देन 100 लेस देन 100, तो हमें यहाँ लेस देन नहीं लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन डालनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा, काउंटर को 2 से इनिशियलाइज किया, डू में इफ काउंटर इज परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 2 काउंटर को प्रिंट कर दिया और काउंटर में 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ हम ये इफ स्टेटमेंट ना लिखें तो भी सही होगा क्योंकि काउंटर को हम 2 से इनिशियलाइज किया और 2-2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर एक्स इक्वल टू 100 से इनिशियलाइज किया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 150 की कंडीशन है और एक्स में एक एक का इंक्रीमेंट है और टोटल प्लस इक्वल टू एक्स लिख दिया है, तो ये क्या करेगा?
ये प्रोग्राम क्या करेगा, तो ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि ये 100 से लेकर 150 तक की जो इंटीजर्स हैं, 150 तक के जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर ले टोटल में, और टोटल को इनिशियलाइज 0 से यदि किया हुआ हम मान लें, तो ये सेगमेंट गलत है या सही है, ये सेगमेंट गलत है। क्या गलती है, तो यहाँ पर एक फॉर स्टेटमेंट का की बॉडी स्टार्ट होने से पहले सेमीकोलन लगा दिया है, इसलिए ये फॉर स्टेटमेंट खुद में ही पूरा हो जाएगा और बॉडी जो लिखी है वो कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक करने के लिए वो सेमीकोलन हटाना पड़ेगा, और वो सेमीकोलन हटाते ही ये सही है।